सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो जो है मैं निडल्स के लिए बना रही हूँ कि आप अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से कौन से नंबर की निडल्स यूज़ करें मशीन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है और सुई लगाई हुई है 11 नंबर की, 16 नंबर की और 18 नंबर की। और भी नंबर आगे होते हैं, जैसे कि 18 के बाद 21, 23, 25 इस तरीके से नंबर, और 11 के बाद जैसे 14 इस तरीके से नंबर होते हैं। बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ तीन सुइयों के बारे में बता रही हूँ, 16, 11 और 18। 16 जो कि नॉर्मल अपनी मशीनों में लगी रहती है, जिससे हम कोई भी कपड़ा सील लेते हैं। और ये 11 नंबर वाली सुई जो होती है, ये जो पतले कपड़े हमारे रहते हैं, जैसे दुपट्टा हो गया, नेट हो गया, सिल्क हो गया, या फिर होजरी का कपड़ा, और जो वेलवेट का कपड़ा होता है, वो भी हम इस 11 नंबर की सुई से ही सीलते हैं। फिर बात आती है 18 नंबर की। तो फ्रेंड्स, 18 नंबर में आप मोटे कपड़े, जैसे कई बार हम 4-5 लेयर करके कपड़ों की सीलते हैं, या फिर जींस का जो कपड़ा होता है, हम वो भी सील सकते हैं 18 नंबर की सुई से। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारी जो मशीन में 16 नंबर की ही सुई लगी हुई होती है, और कई बार आपको क्या, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि जो 16 नंबर की सुई लगी रहती है उसी से मैं जो है कपड़े सीलने लगती हूँ, चाहे वो पतला कपड़ा हो चाहे वो जींस का कपड़ा हो, तो उसका अंजाम भी मुझे नज़र आ जाता है। जो मैं पतले कपड़े सीलती हूँ इसी 16 नंबर की सुई से, उससे क्या होता है कि कपड़े के धागे निकल आते हैं इसी सुई से, और अगर मैं इससे ही मोटा कपड़ा सीलने की कोशिश करती हूँ तो सुई या तो टूट जाती है या तो इसकी जो नोक है वो मुड़ जाती है। तो अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि 16 नंबर की सुई से ही हर कपड़ा सीलने लग जाती हूँ। हाँ, नॉर्मल कपड़े आप ज़्यादातर इससे सील सकते हैं, पर जैसे जीन्स का कपड़ा हो गया, ये बिल्कुल ही पतला कपड़ा हो गया दुपट्टे का, आप वो इसी नंबर के हिसाब से सुई का यूज़ करें। जैसे पतला कपड़ा दुपट्टे का हो या बिल्कुल मलमल का कपड़ा होता है वो हो 11 नंबर की, और मोटा कपड़ा हो वो आपको 18 नंबर की सुई यूज़ करनी है। और एक और भी नंबर आते हैं, जैसे 21 नंबर, वो वैसे अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है घर में जो आप काम करते हो मशीन में, क्योंकि वो जो सुई होती है वो ज़्यादा जैसे रैगजीन होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये फैब्रिक होता है, जैसे ये कार की सीट वगैरह बनाते हैं, इससे सोफ़े भी बनते हैं, तो इसमें वो ज़रूरत होती है सीलने की, तो हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये कपड़ा कभी सीलना भी पड़ जाए तो आप 21 नंबर की सुई का यूज़ करें। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि सुइयों का जो इनकी लेंथ होती है वो ये बराबर होती है लेंथ इनकी, और ये नीचे से भी बिल्कुल बराबर होते हैं, जो इनकी मोटाई है वो बराबर होती है। बट इसमें एक ही चीज़ वो है, जैसे कि जो 11 नंबर की जो सुई की नोक देखेंगे वो पतली है, 16 नंबर की उससे थोड़ी मोटी है, और 18 नंबर की उससे भी मोटी है। तो यही फ़र्क रहता है आपको इसमें, जैसे कि 11 नंबर की सुई से आप नेट, दुपट्टा, होजरी की जैसे टी शर्ट वगैरह बच्चों के निकरे होती हैं वो सिल सकते हो, सिल्क, मलमल का कपड़ा और वेलवेट, ये सब आप 11 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हो। और इन्हीं कपड़ों में आप 14 नंबर की भी सुई यूज़ होती है, बट मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती सारे सुइयों का बता के। 16 नंबर की सुई में आप जो है सूट का कपड़ा और रियॉन का कपड़ा, जो नॉर्मल अपन सूट सिलते रहते हैं, वो सिलते हैं। और जो 18 नंबर की सुई है, मोटा कपड़ा, जैसे कि जीन्स या पैंट का कपड़ा, या कोई भी मोटा कपड़ा हो, या कपड़ों की लेयर जब हम बना के सिलते हैं, 2-3 लेयर होती हैं, वो आप 18 नंबर की सुई से सील सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मशीन में जो है 11 नंबर की सुई लगा रखी है, और मैं आपको, जैसे आप कभी होजरी के कपड़े में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो है ना छेद बन जाते हैं होजरी के कपड़े में, तो आपको क्या करना है, अगर आपका नहीं बन रहा है ऐसे तो भी 11 नंबर की सुई से भी तो सिलाई अच्छी नहीं आ रही, तो आपको एक काम करना है, ये जो न्यूज़पेपर होता है इस तरीके की पट्टियाँ काट लें, और आप इस तरीके से ये कपड़ा रखना है आपको इस तरीके से, और आप सिलाई करना है।
तो फ्रेंड जब आप इस तरीके से सिलाई करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आती है, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी छेद नहीं बने। नहीं तो अगर मैं 16 नंबर की सुई से इसको करती तो वो छेद बन जाते हैं इसमें। और इसको आप जो न्यूज़पेपर है इसको आप निकाल लें बाद में। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको पेपर का बताया, बट आप जैसे नाजुक कपड़े होते हैं, कई बार हमारे कढ़ाई वाले कपड़े भी होते हैं जो कि ये जो नीचे हमारे दांत लगे होते हैं इससे कपड़े फट भी जाते हैं, तो भी आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। और फ्रेंड्स एक बात का और ख्याल रखें कि ये जो है ये प्रेशर फुट का कंट्रोलर है, ये जो प्रेशर फुट कपड़े पे पड़ता है जब उसका कंट्रोलर है, मतलब ये दबाव को कम या ज़्यादा करता है। जैसे आप पतला कपड़ा अगर सिलते हो इस पर तो आपको इसको थोड़ा ढीला करना पड़ता है, थोड़ा आपको इसको ढीला करना पड़ेगा ताकि कपड़े पर जो प्रेशर फुट का जो दबाव है हमारा वो कम पड़े और कपड़ा बिल्कुल आराम से निकले। तो इसको इस तरीके से ढीला करना पड़ेगा। और इसके ऊपर कोई नंबर भी नहीं है जो कि हाँ मैं नंबर बता दूं कि इस नंबर पे करना है, ये अंदाजे से आपको करना पड़ता है। तो ये मेरा जो है अभी नॉर्मल है, 16 नंबर पे मैं इसको ऐसे रखती हूँ, तो 11 नंबर पे अगर मैं पतले कपड़े सिलूंगी तो इसको इस तरीके से इतना खोल दूंगी। और वहीं अगर आप 18 नंबर की सुई यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको टाइट करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा इसको प्रेशर फुट को कपड़े पे प्रेशर आना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा नीचे करूँगी मतलब टाइट करूँगी। तो इस तरीके से हमें इसको टाइट करना रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो भी बातें मैं आपको बोल रही हूँ ये तो मेरी हाफ शटल मशीन है, वैसे इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पर जो भी मैंने बातें बोली हैं, जो भी सुई का नंबर बोला है वो सेम टू सेम फुल शटल मशीन के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स बस यही थी, काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस बारे में तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।